चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, फाइंड द फॉलोइंग, हमें फाइंड करना है। पहला क्या है मेरा, 7/5 ऑफ 5 लीटर्स, ठीक है। देखो इसको कैसे करते हैं, 7/5 ऑफ की जगह पे आपको मल्टीप्लाई लिखना है, 5 की जगह पे आपको 5 लीटर्स लिखना है। तो किया क्या हमने, बस ऑफ की जगह पे मल्टीप्लाई डाल दिया, 5 से 5 कट गया, तो कितना बचिए हमारा, 7 लीटर्स कट गया। मतलब 5 × 5 तो 7 × 7 ये हमारा 5 7 लीटर्स बच गया। कितना सिंपल क्वेश्चन है ये, 7/12 ऑफ एन आर, इसका मतलब क्या है, 7/12 ऑफ की जगह पे मल्टीप्लाई एन आर, मतलब 1 घंटा, मतलब क्या है 1 घंटा, तो लिखेंगे हम 1 आर, एन आर मतलब 1 आर, ठीक है। तो 7 × 7 7/12 आर हो गए हमारे, ठीक है। इसको और छोटा करना चाहो तो होगा नहीं, क्योंकि नीचे 12 है, नीचे बड़ा नंबर है, ठीक है। तो ऐसे हो गया, तो इसका हमने आर में आंसर निकाल दिया। इसको मिनट में भी निकाल सकते हैं, मगर जैसे दिया हुआ वैसे निकालो, ज़्यादा राम कथा नहीं। थर्ड देखिए, 4/7 ऑफ अ वीक, कितना सिंपल है ये, 4/7 मल्टीप्लाई, वीक कितना होता हमारा, 7 डेज, वीक में क्या होते हमारे, 7 डेज होते हैं ना, तो 7 लिख दिया हमने, तो 7 से 7 कट गया, तो कितना आंसर आ गया, 4 डेज आ गया। अच्छा इसको भी हम ऐसे कुछ निकाल सकते थे, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 1 आ रहा, तो मैं 60 मिनट्स लिख सकता था, है ना। इसको देखो मैं ऐसे भी सॉल्व कर सकता हूँ, इसको मैं पीछे देखता हूँ आंसर क्या दिया हुआ, 1 मिनट कौन गया मेरा, कौन सा ये, थर्ड मिनट्स में दिया हुआ है, हाँ इसको आप मिनट्स में भी लिख सकते हो, ये भी सही है, मगर आप मिनट्स में लिखो इसको, आप मतलब सिंपल डायरेक्ट इसको ऐसा सॉल्व करो कि आपका फ्रैक्शन में ना आए। तो 1 आ रहा है ना, मतलब 60 मिनट्स, ऐसे ही लिख सकते हो आप इसको। तो 12 वो मेरे माइंड में ऐसे आया कि मैंने यहाँ पे 1 वीक को, मैंने 1 वीक नहीं लिखा, मैंने 1 वीक में 7 डेज लिखे हैं। क्यों लिखे मैंने 7 डेज, क्योंकि कट रहा था, मुझे समझ में आ गया था कटेगा। तो उसी तरीके से 1 आ रहा है ना, तो 12 है, तो एक काम करो उसको मिनट्स में लिखो, तो 12 से कटेगा, 12×5 = 60, तो कितना हो गया, 35 मिनट्स, ठीक है। ऐसे कर लेना, ये ज़्यादा अच्छा है, ठीक है जी। चलिए फोर्थ पार्ट देखिए इसका, 1/4 ऑफ अ ईयर, ठीक है। तो 1/4 मल्टीप्लाई, ईयर में कितने होते हैं, 12 मंथ्स होते हैं, तो मैंने देखो इसको ऐसे लिख लिया, तो 4 × 3 = 12, तो कितना आंसर आ गया मेरा, 3 मंथ्स, ठीक है जी। पूरा आपको पूरा आंसर निकालना है, फ्रैक्शन में नहीं निकालना है। अगर आप इसको किसी को कन्वर्ट करते हो, आर को आपने किसी में कन्वर्ट किया, फॉर एग्जांपल आपने सेकंड में कन्वर्ट किया, आपका पूरा आंसर नहीं आ रहा, या सेकंड में भी आ ही जाएगा, कितने होते हैं सेकंड में भी आ ही जाएगा, लेकिन फॉर एग्जांपल आपने आर को आर में रहन दिया, तो वहाँ पर फ्रैक्शन में आ जाएगा, तो ऐसे नहीं करना है। वीक को वीक में रहन दिया तो भी फ्रैक्शन में आ जाएगा, ईयर को ईयर में रहन दिया तो फ्रैक्शन में आ जाएगा, तो उसको निकाल लेंगे, ठीक है। अच्छा फिफ्थ देखिए, 5/9 ऑफ 108 डिग्री, तो कैसे लिखेंगे, 5/9 × 108, ये कटेगा, 9 × 1 = 9, 9 × 2 = 18 डिग्री है, ठीक है। 9 × 1 = 9, 9 × 2 = 18 डिग्री, 12×5 = 60, 60 डिग्री, ठीक है, ये 60 डिग्री हो गया। सिक्स देखिए, 9/20 ऑफ अ मीटर, अब देखो दोबारा से आ गया, अब मैंने लिखा 9/20 ऑफ इसका मल्टीप्लाई अ मीटर, इसी जगह पे अगर मैंने 1 मीटर लिखा तो कटेगा ही नहीं, वो डिवाइड में आंसर, मतलब फ्रैक्शन में आंसर आएगा। तो 1 मीटर में कितने होते हैं बच्चों, 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 100 सेंटीमीटर लिखो यहाँ पे, ठीक है। अब ये 0 से 0 कट गया, और 2 × 5 = 10, तो कितना हो गया, 9 × 5 = 45 सेंटीमीटर। ऐसे करो, कन्वर्ट करो, बट आंसर पूरा सही निकालो, ठीक है। 7/10 ऑफ 5 kg, सर मैं पता क्या चलेगा कि इसको इसमें कन्वर्ट करना है, सिंपल है यार, आर है मिनट में कर देना, मीटर है सेंटीमीटर में कर देना, अगर वो ना कट रहा हो। अब देखो ये है, ये कटेगा 5×10, लेकिन नीचे तब भी 2 रह जाएगा, फ्रैक्शन में आंसर आ रहा है, तो मैं इसको केजी को ग्राम में कन्वर्ट कर दूंगा। कैसे, 5/10 × 1 kg में होते हैं हमारे 1000 ग्राम, तो 5 kg में कितने हो जाएंगे, 5000 ग्राम, सिंपल है। 10 kg में कितने हो जाएंगे,
10,000 ग्राम, इस तरीके से होगा ना। मतलब कर क्या रहे हैं यहाँ पे, हम ये कर रहे हैं 5 kg में कितने हो गए 5/1000, 10 kg में कितने हो गए 10/1000, है ना। इस तरीके से हम निकालते हैं, आपको आता होगा, ये बच्चों वाली चीज़ मैं सिखा रहा हूँ आपको। तो 5 kg में कितने हो गए हमारे 5000 ग्राम, ठीक है। अब देखिए, एक जीरो से एक जीरो कट गया तो कितना हो गया ये 7×5=35, 0 ग्राम। अगर मैं इसको केजी में ही रखता तो मेरा आंसर फिर फ्रैक्शन में आता, फ्रैक्शन में मुझे नहीं चाहिए, ठीक है, फ्रैक्शन में नहीं करना मैं आंसर। 1/5 ऑफ 625 सेंटीमीटर स्क्वायर, 625। देखो इसको मैं किसी में कन्वर्ट नहीं करूँगा क्योंकि ये कट रहा है ऑटोमेटिकली, देख के मुझे लग गया कटेगा भाई ये। तो देखो 125 आएगा सेंटीमीटर का स्क्वायर है, आंसर कितना हो गया 125 सेंटीमीटर का स्क्वायर। 5×1=5, 1 carry 5×10, 2 carry 5×5=25 करके देख लेना, ना समझ में आएगा ऐसे कर लेना बच्चों। 5×1=5, 1 आया, 5×2=10, 2 आया, 5 उतारा, 5×5=25, 0 आया, ठीक है जी। इस तरीके से आप सॉल्व करके देख सकते हो।